नमस्कार बच्चों, आज कल जो हमने पॉलीनोमियल पढ़ा उससे आगे की चीजें आज हम सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल, तो वैल्यू क्या है? किसी भी पॉलीनोमियल में उसके दिए हुए वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दें तो जो वैल्यू निकल करके आएगी दैट इज कॉल्ड पॉलीनोमियल। जैसे लेट पी एक्स इज अ पॉलीनोमियल इन एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू ए, पी ए इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल। ओके, अब इसका आप एग्जांपल समझ रहे हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल पी एक्स, ये कोई हमें पॉलीनोमियल दिया हुआ है 3x³ - 2x² + 7 एट x इक्वल टू -1। वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, एक्स के प्लेस पर -1 पुट कर देंगे इस पूरे पॉलीनोमियल में। टू पुट एक्स इक्वल टू -1, तो पी -1 यहां पर भी एक्स की जगह पर -1 पुट कर लिया, इधर भी पुट कर दो 3 × -1³ - 2 × -1² + 7। अब देखो 3 × -1³ - 1 -2 × -1² + 1 + 7 -3 - 2 + 7 - 3 - 2 - 5 + 7 क्या बचा +2। ये ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करना, क्लियर हो गया? अब दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे। अब जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, जीरोस ऑफ जीरोज क्या है? कोई भी पॉलीनोमियल जिस वेरिएबल में दिया है, मान लो कोई वेरिएबल ax² + bx + c, कोई ये पॉलीनोमियल x में दे रखा है, तो इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे px से। अगर यही y हो जाता a² ay² + by² + c, तो इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे py से। z में है तो pz से, t में है तो pp से। अब तो जो जिस वेरिएबल में पॉलीनोमियल दिया हुआ है उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर पॉलीनोमियल जीरो हो जाए, जब पर जीरो तो पॉलीनोमियल। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे ये समझ लो, इसका मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूं। फाइंड जीरो ऑफ पी एक्स 2x - 3, ये कोई एक पॉलीनोमियल है, लीनियर पॉलीनोमियल है तो एक जीरो आएगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो जाओगे, क्यूबिक है तो 3 जीरो। यानी किसी भी पॉलीनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही अधिकतम जीरो होते हैं। मैं डेफिनेट नहीं कह रहा, क्वाड्रेटिक है तो एक भी हो सकता है 2 अधिकतम होंगे, क्यूबिक है एक भी हो सकता है 2 भी हो सकते हैं और 3 अधिकतम होंगे। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट? ओके, अब इसका जीरो फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या है, ये जो पॉलीनोमियल दिया हुआ है इसकी कंपेयर जीरो से करा दो। यहां लिख देंगे फॉर जीरोस 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, x = 3/2, इसका जीरो हो गया, क्लियर है? अब यदि कोई पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक है तो पहले क्वाड्रेटिक के फैक्टर कर ले, उसके बाद उसके जीरो निकाल ले। समझ लो कैसे, लेट px = x²-7x + 8। ये कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, हमें इसके जीरो निकाल ले।
करने हैं, तो आपको करना क्या, पहले इसके फैक्टर करने, ठीक है। फैक्टर करना हम आपको पहले बता चुके हैं, 8th क्लास में आप सभी ने पढ़ाया। अब इसके फैक्टर में डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसके फैक्टर आ गए आपके एक्स माइनस फोर एक्स माइनस थ्री, ये फैक्टर आ गए इसके। तो आपको क्या करना, इन दोनों फैक्टर्स की कंपेयर जीरो से करा देंगे। एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू फोर। दूसरा एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू थ्री। लास्ट में आंसर को समराइज कर देंगे, सो जीरो ऑफ पी एक्स आर फोर एंड थ्री, ये इसके जीरो जो है। किसी वजह आपको कोई डाउट? ओके, थैंक यू। आज ये दो टॉपिक हमने क्लियर कराए पॉलीनोमियल पार्ट टू में। अभी आपको तीसरी वीडियो में इसके फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, ये हम दो चीजें कराएंगे। धन्यवाद।